शेट्टी ने क्या फिल्म बनाई, रणवीर सिंह ने क्या एक्टिंग की है, संजय मिश्रा पता नहीं कैसे, इस फिल्म का प्लॉट कैसा है। अगर आप ऐसी बातें कहीं सुन रहे हैं तो इस रिव्यू को सुनिए, आपको सच्चाई पता चलेगी। तो दोस्तों फाइनली सर्कस रिलीज हो चुकी है और आपको फिल्म भी बताएगा कि क्या आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसी है फिल्म, तो बने रहिए हमारे साथ। गोलमाल प्लस ऑल द बेस्ट इज इक्वल टू सर्कस। लेकिन दोस्तों इस फिल्म को देखने जाने के पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, मुझे लग रहा था कि ये फिल्म देखूं या नहीं देखूं, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक मुझे इस फिल्म में कोई नई बात नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैं थिएटर में इस फिल्म को देखने गया तो मेरे ख्याल बदल गए, क्योंकि मैं गया था वहां पर बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के साथ, कई सारे फैमिली मेंबर्स भी थे, कई सारे प्रेस के लोग भी थे। एंड लेट मी टेल यू, शायद ही कोई ऐसा मोमेंट होगा जब लोग या जनता वहां पे जो मौजूद थी वो बिना हंसे रही। इस फिल्म में इतनी हंसी आई हमें कि हम हंस हंस के लोटपोट हो गए, और वाकई में ये फिल्म एक लाफिंग राइट। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस फिल्म की असली लीड कास्ट जो है वो रणवीर सिंह नहीं है। इस फिल्म की असली जो लीड कास्ट है वो संजय मिश्रा है, वो है अनिल चरण जी। ये वो लोग हैं जो कि कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, जो कि हीरो के साथ काम करते हैं, लेकिन इस पूरी फिल्म में आपको कैरेक्टर आर्टिस्ट का दम नजर आएगा। क्योंकि अगर कैरेक्टर आर्टिस्ट इस फिल्म में नहीं होते तो इस फिल्म में शायद वो बात नहीं आ पाती जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जब भी संजय मिश्रा स्क्रीन पर आते हैं आप तैयार रहते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है, आप हंस हंस कर पागल होने के लिए तैयार होते हैं। और इस पूरी फिल्म में स्क्रीन प्ले और इसकी डायलॉग राइटिंग इसकी जान है। अनिल चरण जी, जिन्हें आप इससे पहले शेरशाह सूर्यवंशी में देख चुके हैं, उन्होंने संजय मिश्रा का बखूबी साथ दिया। संजय मिश्रा अगर इस फिल्म का दिल है तो अनिल चरण जी इस फिल्म का दिमाग, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन कमाल के। अब बात करते हैं डायरेक्टर रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी अपनी फिल्म के खत्म होने पर या फिर फिल्म के शुरू होने पर रोहित शेट्टी एंड टीम लिखते हैं, और ये बात आपको इस फिल्म में नजर आएगी कि अगर आप एक टीम प्लेयर हैं तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज इस फिल्म को देखने जाने के लिए आपको क्रिएटिव होना नहीं पड़ेगा, आपको ये सोचकर जाना है कि आपको अपना वीकेंड अच्छा मनाना है, दिन अच्छा गुजारना है, आपको एक हल्की फुल्की मज़ेदार फिल्म देखनी है जो आपको 2.5 घंटों के लिए हंसने के लिए मजबूर कर दे। और इसमें ये फिल्म पूरी सही साबित होती है, इसको 100 में से 100 मार्क्स। अब आते हैं फिल्म की कमियों। फिल्म का जो स्टार्ट है वो धीरे 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 बिल्टअप होता है और वो आपको थोड़ा सा सुस्त लगता है, लेकिन बिल्टअप है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप पैसे देकर थिएटर में आ चुके हैं तो 10 मिनट के लिए आप थिएटर छोड़कर जाएंगे तो। और दूसरी बात की जो क्लाइमैक्स है वो क्लाइमैक्स इतना मज़ेदार नहीं रहा जितना की उम्मीद की। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि काश मैं आपको और बता सकता। रोहित शेट्टी की फिल्मों की खास बात ये होती है कि जब भी कोई सीन आता है तो उसका स्क्रीन प्ले, उसकी डायलॉग राइटिंग और उसके जो SFX यानी कि जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। और इस फिल्म में भी जब आप इसे थिएटर में देखेंगे तो जो साउंड इफेक्ट्स हैं, जो सराउंड साउंड आप सुनते हैं, वो आपके अंदर कभी खलबली पैदा कर देगा, कभी जोश पैदा कर देगा, कभी आपको हंसने पर मजबूर कर देगा। और यही किसी भी कॉमेडी फिल्म का एक वो कॉम्बिनेशन होता है जो या तो उसे हिट करवा देता है, और अगर वो कॉम्बिनेशन ना हो तो फ्लॉप हो जाता है। ये फिल्म ऑल इन ऑल बहुत अच्छी है, आप इसे अपने फैमिली के साथ जाकर ज़रूर देखिए, फ्रेंड्स के साथ भी जाकर ज़रूर देखिए। यकीन मानिए आप जो पैसे खर्च करेंगे वो वेस्ट नहीं जाएंगे। वैसे तो ये फिल्म 5 में से 3 स्टार्स डिजर्व करती है, लेकिन जो पूरे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतना तगड़ा स्क्रीन पे उन्होंने निभाया, इसके लिए 0.5 स्टार हम और इसे देना चाहेंगे। तो रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस को 5 में से 3.5 स्टार्स। और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फिल्मी बीट।